हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल इन योर पीडीए एजुकेशन माय नेम इज मनीष सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टी एच डी सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेक्ट तो दोस्तों टी एस डी का भी शॉर्ट लिस्टिंग ऑलरेडी आ चुका है

सेशंस फॉर जीडी डी एज वेल एज पी करेक्ट जीडी डी के यहाँ पर रेगुलरली सेशंस होते हैं मल्टीपल टॉपिक्स में जब आप जीडी में अटेंड करते हो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो मल्टीपल टाइम्स एक्सप्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है आप कैसे कैसे पॉइंट्स uh, को आपको अपने पुटअप करने होते हैं और क्या शॉर्टकमिंग्स है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हम बताएंगे नेक्स्ट आता है पीआई e. का तो दोस्तों यहाँ पे एक तो आपका एक जनरल इंटरव्यू होता है जनरल टॉपिक uh, से डिस्कशन होगा कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस पी एंड वट इज द रोल एंड वट एवर अगर आप जॉब कर रहे हो तो वाई यू वॉन्ट टू स्विच दिस जॉब तो इस तरीके से कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर कोर टेक्निकल डोमेन अगर जहाँ से आपसे लगभग टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का डिस्कशन होगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एज परस दिस टी एस डी सी इंटरव्यू अगर मैं डिस्कस करूँ तो हाइड्रो पावर प्लांट वेस्ट कंपनी है करेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है फ्रॉम हाइड्रोलिक थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट एंड हाइड्रोलिक फ्लूड को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए गैस पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको फ्लूड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी एंड पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना चाहिए कि वट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट हाउ इट वर्क वट आर द कॉम्पोनेट्स कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं जो कि इसमें रहते हैं करेक्ट है एंड वट आर द सिक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिसिटी वट इज काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इन टू सम साफ्ट पावर करेक्ट वट इज द वट आर द टाइप्स ऑफ टर्वाइंस वट आर द टाइप्स ऑफ पम हाउ टू ड्रॉ इट्स

करेक्ट व्हाट इज फ्लूड व्हाट इज विस्कोसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी करेक्ट इस तरीके क्वेश्चन प्रेशर मेजरमेंट कैसे करोगे मैनोमीटर क्या है मैनोमीटर का फंक्शन क्या है व्हाट इज़ बर्नोली इक्वेशन बर्नोलिज प्रिंसिपल क्या है बर्नोली इक्वेशन में क्या क्या टर्म होते हैं करेक्ट है इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है इनके कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन करेक्ट तो इस तरीके से आपका डिटेल यहाँ इस सब्जेक्ट को भी कवर करने वाले हैं फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत आपके साथ मटेरियल साइंस का भी यहाँ पे इंक्लूजन होगा कि मत, जो टर्वाइन ब्लेड होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है मैकेनिक देखो मैं यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ तो मटेरियल कौन सा होता है जिससे टर्वाइन ब्लेड बनाते हैं वाई इट इज़ यूज फॉर दिस कौन सी प्रोसेस से बनाई जाती है टर्वाइन करेक्ट ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन भी कवर होगा थोड़ा सा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटेल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होगा कि एक साफ्ट है जिसमें टर्वाइन लगी हुई है सपोज रेडियल पावर आ रहा है एक्सेल पावर में कन्वर्ट हो रहा है रोटेशन आ रहा है करेक्ट है तो कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है कौन सी थ्योरी थियोरा फेलियर अप्लाई होगा इसके डिजाइन के लिए तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी लिटिल विट मटेरियल साइंस लिटिल विट प्रोडक्शन लिटिल विट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिजाइन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों को कवर कर रखना है और एक इंपॉर्टेंट है जो है कि है एन्वायरमेंटल आस्पेक्ट इन जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसे वाटर uh, पोल्यूशन क्या होता है क्या हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगाने से वाटर पोल्यूशन होगा अगर होगा तो किस तरीके का होगा एंड हाउ टू मिटिगेट दिस तो इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्टडी करना है इज इट राइट तो ये कुछ मैंने आपको ओवरव्यू होता है कि मैकेन एज़ पर एज मेकैनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको टी एच डी सी की प्रिपरेशन करनी है तो किस किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इन क्वेश्चन के आंसर आपको सर्च कर लेना है इज इट राइट और ये सब कुछ करने के बाद आपको जो जी डी पी आई सेशनस हैं योर पी डी एफ फटाफट ज्वाइन करो इसका मॉडल लो आप और ज़्यादा से ज़्यादा स्नैप इंटरव्यू लगाओ मॉक इंटरव्यू लगाओ साथ जीडी में जी डी में अपेयर हो तब जाके आपका फाइनल सेलेक्शन होगा तो देखो ये जो प्रिपरेशन है एक ये पूरा जर्नी है करेक्ट है आपको हर स्टेज में आपको प्रॉपर परफॉर्म करना पड़ेगा देन यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर द फॉर दिस कंपनी इज ऐट राइट या किसी भी पीएसयूज में आपका सिलेक्शन हर स्टेज को कवर क्लियर करने के बाद ही होगा तो हर स्टेज को क्लियर करने के बाद ही होगा तो वाई नॉट टू स्टार्ट प्रिपरेशन नाव एंड वाई नॉट दिस पी एस यू इसी पी एस यू को क्यों ना क्रैक किया जाए करेक्ट ये आपको अगर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको आपको फाइनल स्टेज तक लेके जाना है अगर हर स्टेज में यूरोपीडिया टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है पिछले तो कई सालों से ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट पी एस यूज के इवन टी एस डी सी के पिछले कई सालों से हम लोग इंटरव्यू कवर कर रहे हैं तो मेंटर्स को ऑलरेडी पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर कैसे करने होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक वेल प्रिपरेशन होकर अगर आप जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों करेक्ट तो इसके मॉड्यूल ऑलरेडी कंट्रोन्यूश चलते रहते हैं आप लोग ज्वाइन करिए और इंटरव्यू स्नैप इंटरव्यू और जी में एपेर हुए तो चलिए यहीं पर सेशन को मैं करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टॉल फिग मिलते हैं सून जल्दी अपने इस इंटरव्यू सेशन में थैंक यू